हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास। तो हम लोग अभी तक पेपर वन के ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इंडियन ज्योग्राफी एंड देन वी विल मूव टू अगेन पेपर वन, और वहां पर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के जो डिस्कशन हमारे बच गए हैं वो सारे के सारे डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से हमारी पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज खत्म हो जाएगी। आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल द क्लासेस टिल 20th मई तक मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की, और फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, आगे की सीन क्या होती है। फिलहाल दीज आर द डिटेल्स जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं टू सॉल्व योर डाउट्स या फिर टू रीच अस। तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, और वहां पर भी जो भी मटेरियल वगैरह रहता है वो मटेरियल वगैरह शेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होती है वो पेपर टू के बारे में हम लोग जरा शुरू करते हैं। पेपर टू में सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या पार्ट है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा सिलेबस ही एक ऐसी चीज है जो हमें यूपीएससी के क्वेश्चन को सीखने की एक रास्ता प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहले सिलेबस आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं या हमारा जो कह लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी इवोल्यूशन कहाँ से होती है, इस इवोल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे, कई सारी चीजें देखेंगे, कई सारे एरा देखेंगे। जैसे धारवाड़ का नाम सुना होगा अपने, आर्कियन का नाम सुना होगा, कटप्पा रेंज के बारे में सुना होगा। तो ये सारे के सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ की फिजियोग्राफी के बारे में कि माउंटेन कहाँ पर है, प्लेटू कहाँ पर है, प्लेन्स कहाँ पर है, क्यों है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे क्या डेवलप हुआ। तो हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट पे और थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हम लोग जियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट। बट ये हमारा सर्फेशियल होगा क्योंकि हमारा मेन ज्योग्राफी पे फोकस है, तो हम लोग हल्का फुल्का यहाँ पे जियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन के बारे में कि कैसे कितने तरीके की ड्रेनेज होती है, कैसे हमारे यहाँ पे ड्रेनेज डेवलप हुई, इस ड्रेनेज का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम लोग इस चीज को आगे और बढ़ा सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, और इस क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसी क्लाइमेट है। यहाँ पर हम लोग जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों ने जानते भी होंगे या हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे, कोप्पन क्लासिफिकेशन होती है, थॉर्नडाइक क्लासिफिकेशन होती है, ट्रिवार्था क्लासिफिकेशन होती है। तो इसी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इंडियन ज्योग्राफर लोगों ने भी क्लाइमेट की कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है, उन सारे क्लासिफिकेशन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मोर और लेस जो भी आप लोगों ने जीएस में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा वो नियरली 40% आपका यूज आ रहा होगा, आगे जो 60% है वो हम लोग इस क्लास में कवर कर रहे होंगे डिटेल्ड और कंसेप्चुअल तरीके से। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स के बारे में, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, कहाँ पर है, किस प्रकार के फॉरेस्ट है, जैसे कई तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल थॉर्नी हो गए, ट्रॉपिकल डेजिटुअस हो गई, नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, वी विल लुक इन टू द करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज देयर इवोल्यूशन, कि आखिर में क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे बढ़ रहे आते हैं आगे। फिर साथ ही में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी के भी बारे में, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इन्वायरमेंट भी हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे साथ ही साथ। फिर हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में, तो यहाँ पर सॉइल हम लोग जो बात करेंगे वो इंडियन सॉइल के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, कई सारे पीडाल्फर पीडोकल्स बहुत सारी चीजें, वी आर गोइंग टू लॉट ऑफ डिस्कशंस आर देयर, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या चीजें हैं। फिर हम लोग बात करेंगे रिसोर्स के बारे में, एंड यहाँ रिसोर्स में कई सारे रिसोर्स हो जाएंगे, जैसे मिनरल रिसोर्स हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसोर्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिसोर्स हो गया, एनर्जी रिसोर्स हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर, वी विल लुक इन टू द एनर्जी रिसोर्स इन द नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी एग्रीकल्चर के बारे में, इस एग्रीकल्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा कब कैसे क्या हुआ है, इन सारे के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, किस तरीके से एग्रीकल्चर का क्या विस्तार रहा है, एक्सपेंशन कैसे रहा है, पंजाब में कैसी एग्रीकल्चर है, यूपी में कैसी एग्रीकल्चर है, पेनिनसुलर इंडिया में कैसी एग्रीकल्चर है। तो हम लोग बेसिकली क्या है कि एक पूरे डिटेल्ड पूरे सारी चीजें देख रहे होंगे, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को।
और इन सारे एग्रीकल्चर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपको जीएस देखनी है, आपको देखना है यहां पर ऑप्शनल। तो ऑप्शनल जीएस से ऑप्शनल कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम लोग देखेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो देख करके लगता है यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, इसको ऑप्शनल कैसे बनाना है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि किसी एक जीएस के क्वेश्चन को कैसे ऑप्शनल के तरीके से हैंडल करना है, हम लोग कैसे इसको मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनफैक्ट यू कैन रीच अप टू 170 मार्क्स, आप 170 मार्क्स तक लेकर के आ सकते हैं अपने इस पेपर टू में। बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्या चीजें की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इंडस्ट्रीज का टॉपिक होगा, हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां पर होता है। दिस विल बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे पेपर वन में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में बात किया हुआ है ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, तो इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हमें यहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो जितने भी लोग पेपर वन के जो भी डिस्कशन हम लोग किए हैं, नियरली 61 वीडियोज आर देयर, उन सारे 61 वीडियोज को जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले तो आप सारे के सारे कंप्लीट करिए, देन आप लोग यहां पे आइएगा। इंडियन ज्योग्राफी या पेपर वन के भी फिजिकल ज्योग्राफी आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी को पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड कंप्लीट कर लिए हो, काफी इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज क्या है, समझने को आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे नहीं, समझने को आप समझ जाएंगे बट आप नंबर नहीं पा पाएंगे। तो मेन चीज यहां पर क्या होती है, मार्क्स। तो बेसिकली क्या है, मार्क्स हमें लेकर के आने हैं, ज्ञान कितना भी बढ़ा लेंगे मार्क्स पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हम लोग जितने भी डिस्कशंस करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं, सिलेबस से स्टिक रह करके और सिलेबस तक ही चीजें देख रहे होते हैं। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो हम लोग इधर उधर के कई सारे एग्जाम्पल्स ले ही लेते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में, दिस विल ऑल्सो कम अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारे अलग अलग टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी में, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे इंडियन ट्रांसपोर्ट के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और ट्रेड सिस्टम के बारे में। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पॉपुलेशन कल्चरल सेटिंग के बारे में होगा। अगेन यहां पर हम लोग पेपर वन के ह्यूमन ज्योग्राफी के जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी हम लोगों ने देखा था उसके कई सारे कंसेप्ट को हम लोग बेसिकली यहां पर यूज कर रहे होंगे और इंडियन पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे कि आखिर में सीन क्या हो रहा है यहां पर। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला होगा वो रहेगा सेटलमेंट के बारे में। अगेन यहां पर हम लोग पेपर वन के सेटलमेंट के बारे में जो चीजें डिस्कस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम लोग देखेंगे इंडियन सेटलमेंट के बारे में। मेनी मॉडल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सेटलमेंट विच इज ऑल्सो देयर इन पेपर वन ह्यूमन ज्योग्राफी सेटलमेंट ज्योग्राफी टॉपिक। तो हम लोग देखेंगे वही कि सिस्टम क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आरडीपी के बारे में, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब देखिए ये टॉपिक पेपर वन में भी था लेकिन पेपर वन में कुछ खास नहीं था, पेपर टू में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कि पेपर टू का मेन जो कह लीजिए टॉपिक है, मेन जो चैप्टर है वो यही पेपर टू का आरडीपी टॉपिक है। मतलब ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर हर चीज का डेवलप, हर चीज के बारे में बात किया गया है, क्योंकि दिस इज रीजनल डेवलपमेंट, दिस रीजनल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। तो काफी कुछ, काफी ब्रॉड डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, टाइम लेकर के करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है लेकिन इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने बेसिकली मकाइंडर की, स्पाइकमैन की, मतलब इन लोगों की थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। यहां पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे इंडियन ओशियन की क्या विशेषता, इंडियन ओशियन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा अटलांटिक की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल की क्या इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते हुए वी विल लुक द इम्पॉर्टेंस ऑफ मरीन और लैंड एरिया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट की चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। यहां पर हम लोग ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में भी देख रहे होंगे, जैसे ट्रेड ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आरसीईपी हो गया या टीपीपी हो गया, तो जितने भी करंट अफेयर्स की चीजें वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कंटेम्प्ररी डिस्कशंस भी होंगे और ये कंटेम्प्ररी डिस्कशंस हम लोग करेंगे अपने इस कंटेम्प्ररी इश्यूज में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहीं से मेनली क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो कंटेम्प्ररी इश्यूज को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और हम लोग जब सारी चीजें कवर कर लेंगे देन वी विल गेट इनटू दिस कंटेम्प्ररी टॉपिक्स, क्योंकि यहां पर कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई टॉपिक नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है। यहां पर आपको हर एक एरिया से आपको इनपुट्स उठाने रहेंगे, हर एक चीजें देखनी होगी, इसीलिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज को मैंने लास्ट में इंक्लूड किया हुआ है। और ये सारा का सारा हम लोग कोशिश करेंगे, नियरली 20 टॉपिक्स, मतलब 18 टू 20 टॉपिक्स है, तो वी विल टेक नियरली 20 डेज टू फिनिश दिस। तो हम लोग 20 डेज लेंगे, इसको फिनिश कर लेंगे, कोशिश यही करेंगे।
अब हमारा जो चीज आती है वो आती है कि भाई बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। तो देखिए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के लिए कुछ बुक्स तो मैं आपको बोलूंगा कि फॉलो करना ही करना है, लेकिन आपको मेनली जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मेनली आपको फॉलो करना है। इस करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर के टच में रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर मैं कहूंगा कि मिनिमम दो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िएगा, एक तो द हिंदू हम लोग पढ़ते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है, या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा टीओआई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू के अलावा या इंडियन एक्सप्रेस के अलावा कोई एक और न्यूज़पेपर आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको बेसिकली यहाँ पर देखना रहेगा केस स्टडीज के बारे में। केस स्टडीज जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आप लोग देखे होंगे एक्सप्लेन्ड पेज आता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहती है यहाँ पर, इसको फॉलो करना चाहिए, मैं कहूंगा कि आपको भी फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बुक्स के बारे में बात करें तो हम लोग एक माजिद हुसैन की बुक्स को फॉलो करेंगे, और मेनली इन्हीं को फॉलो करना होगा क्योंकि ये बुक काफी ज्यादा सिलेबस के तरीके से लिखी गई है, तो इस वजह से काफी मतलब बेटर बुक मानी जाती है। इसके अलावा हम लोग खुल्लर को भी फॉलो कर रहे होंगे, और यहाँ पर मेनली जो दिए गए हैं वो है डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोटी बुक है और डेटा ओरिएंटेड बुक है, तो हम लोग इसको भी फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा उमा कपिला भी फॉलो की जा सकती है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो, यहाँ पर आपको डेटा काफी अपडेटेड मिल जाएगा, दिस इज अपडेटेड डेटा, अदरवाइज यू हैव टू टेक यूज ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का हमें काफी ज्यादा यूज करना रहेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारे कह लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर रही होती हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट को हमें यूज करना होगा। जैसे कि मैंने पेपर वन में ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मैंने आप लोग को अंडर नॉरिशमेंट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था मैंने, और प्रॉपरली मैंने उसके बारे में समझाया भी था, उन सारे डॉक्यूमेंट को हमें बेसिकली इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा हमें मिनिस्ट्री के डेटा को भी इंक्लूड करना होता है, तो वेरियस मिनिस्ट्रीज और जितने भी स्पेस एजेंसीज या जितनी भी चीजें हैं उन्हें हमें देखना पड़ता है, उसके बारे में हमें डेटाज निकालने होते हैं। इसके अलावा यू हैव टू लुक इनटू दिस मैगजीन योजना एंड कुरुक्षेत्र, तो इन दोनों मैगजीन को भी आपको देखना रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज वगैरह आए रहते हैं, तो इनको भी आपको बेसिकली पढ़ना रहेगा। तो पेपर टू इज मेनली अबाउट व्हाट, मेनली अबाउट कितना आपने ब्रॉड पढ़ाई की है, हाउ ब्रॉड योर नॉलेज इज, तो ब्रॉडनिंग ही बेसिकली आपको देखना रहेगा कितना ब्रॉड है, तो दिस थिंग इज ऑल अबाउट आवर पेपर टू। इसके बाद अब आती है स्ट्रैटेजी, क्या फॉलो करना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग बात करेंगे। देखिए सारी वीडियोस जितनी भी आपकी आती हैं 10 एम पे ही आती हैं, जैसे आती हैं वैसे ही आती रहेंगी, और कल नहीं सैटरडे को नहीं, क्योंकि कल सैटरडे को व्हाट वी विल डू, वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कल करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो जितने लोगों ने भी कवर नहीं किया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फटाफट कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर हम लोग कल कर रहे होंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की करेंगे। मंडे ऑनवर्ड्स यू विल गेट द वीडियोस ऑफ पेपर टू, और मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग सारी चीजें देख रहे होंगे, 10 एएम पे ही आपकी वीडियोस आ रही होंगी। इसमें कवर कैसे करेंगे, कवर इसमें करेंगे हम लोग, पहले तो जैसा कि पेपर में भी बोला जाता है कि एक मैप का क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली हम लोग मैप के भी क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू 5 लोकेशंस, मैं आपको 5 लोकेशंस रोज रोज दूंगा, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आप अलग से नोट्स बना लीजिए, या फिर A4 शीट कहीं पर भी आप क्या है इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो 5 लोकेशंस मैं बताऊंगा, इस 5 लोकेशन पे आपको 30 वर्ड्स लिखना रहेगा, लोकेशन को आइडेंटिफाई करना रहेगा, लोकेशन आइडेंटिफाई करिए, इसके बारे में देख लीजिए, और फिर उसके बाद 30 वर्ड्स उसके बारे में लिख लीजिए। लिखना कैसे होगा सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और फिर आप लिख करके यू कैन ऑल्सो सेंड मी ऑन टेलीग्राम, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। डिटेल्स आपको इनिशियल मतलब जब भी वीडियो की शुरुआत हुई थी वहीं पर आपको दिया गया था, तो यू कैन सेंड मी, आई विल चेक इट एंड देन गिव यू सम फीडबैक, ठीक है, कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। तो वी विल लुक इनटू दिस 5 मिनट ऑन 5 लोकेशंस, एंड देन वी विल गेट इनटू दिस मेनली टॉपिक्स, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग स्टार्ट कर दे रहेंगे। तो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी, और अगर कोई सजेशन होगा, अगर आपको कुछ लगता होगा कि कुछ चीजें और इंक्लूड करनी चाहिए, देन ऑब्वियसली यू कैन कमेंट एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक देयर, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या चीजें हमें कैसे करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पेपर टू स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट एंड सिलेबस। हम लोग इस चीज को नेक्स्ट क्लास से फॉलो करते हैं। टुमारो यू विल गेट द वीडियो ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फॉर दैट आई विल पुट द क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम, अभी हम लोग पुट कर देंगे टेलीग्राम में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पेपर टू के साथ मंडे से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।